Hello students, assalamu alaikum. Welcome to Sumaya English Primary School Standard 2nd and subject maths. Today we are going to learn maths lesson number 18, addition and subtraction. Addition आपको पता है हमने कर चुके हैं और subtraction भी यानी minus. तो हमने दोनों चीज किए but दोनों चीज एक number के साथ हमको दोनों चीज कैसे करना है addition and subtraction वो lesson में explain है. सबसे पहले हमको दिया हुआ है 64. This is 64. एरो दिया है दो यानी इसका 22 एंड 42 ये टू नंबर्स का मतलब होता है कि दोनों को एडिशन करने के बाद ये आंसर आता है हमारा ठीक है. उसके बाद 64 है 64 में वन एरो ये दिया हुआ यानी 64 में अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 42 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 22 आएगा. 64 में अगर हमने 22 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 42 आएगा. अंडरस्टूड. तो यही मेथड से हमको सारे सम करना है. सबसे पहले हमको क्या करना है ये टू एडिशन करना है. टू एडिशन यानी एक नंबर के साथ टू एरोज दिया हुआ यानी दोनों को एडिशन करना है तो आंसर हमारा 64 आएगा. और हमको माइनस सब्ट्रैक्शन कैसे करना है 64 में 42 माइनस करना है तो आंसर हमारा 22 आएगा. 64 में 22 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 42 आएगा. अंडरस्टूड. लेट्स स्टार्ट. देखो 22 प्लस 42 इक्वल टू 64. इसी तरह हमने जैसे हमने बताया 64 माइनस 22 इक्वल टू 42. 64 में हमने 42 माइनस किए तो आंसर हमारा 22 यानी रिवर्स करना है नंबर को यहाँ वहाँ करके सेम करना. उसी तरह नेक्स्ट है 79. एक नंबर दिया है हमको 13 और एक नंबर दिया है 66 तो ये भी वैसे ही होगा. 79 को 13 प्लस 66 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 13 प्लस 60 आंसर हमारा 79 आएगा. इसी तरह आगे हमको करना है 79. 79 में से 13 माइनस करना है और 79 में से हमको 66 माइनस करना है. फर्स्ट 66 माइनस किया हमने तो आंसर क्या आएगा जो नेक्स्ट नंबर रहेगा वो आएगा. इसी तरह हमको 79 में से नेक्स्ट क्या माइनस करना पड़ेगा 13. 13 माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ 66 राइट. इसी तरह आपको नेक्स्ट भी करना है. एक और सब मैं आपको बताती हूँ 44 है. 44 का 14 टू नंबर्स हमको स्प्लिट करना है. जैसे 44 के लिए अगर आपको इजी लगता है तो हम क्या करेंगे एक नंबर हमको 30 बनाएंगे और एक हम 14 कहेंगे. इसको हमने दो नंबर अलग अलग कर दिए तो हम सबसे पहले 44 तो 44 के लिए 14 प्लस 30 इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 44 से टू एरोज दिया हुआ है. फर्स्ट हम 44 में माइनस करेंगे 14 तो हमारा आंसर आएगा 30. सेकेंड हम 44 में 30 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 14. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. ओके इसी तरह आपको करना है. मैं आंसर्स का आपको सेंड कर दूंगी. ओके okay?